नहीं, आप में ये सलाहियत आई कैसे? नहीं, ये सलाहियत की बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे, मैं हुसन परस्त हूँ और ये हुसन परस्त होना एक बात है ना, मेरा सवाल है, हुसन परस्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने, आप में से शुमाला कौन है जी? आप शुमाला हैं और साइमा आप, आपने इनसे सबसे पहले शादी किसी हुई? शुमाला से हुई? नहीं, मेरी पहली शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी और वो घर वालों ने कराई थी, साइमा से कराई थी। साइमा से करवाई थी, ओके। सो साइमा आपके अरेंज मैरिज में घर भी आया था, आपने घर भी लिया था साइमा से? देखिए, मैं उस वक्त प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करता था, तो मकानों की खरीद फरोख्त तो मेरा पेशा ही था। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप बताएं, आप वो जो कुछ आप बताएं, खुल के पहले शादी आपने किससे की और आपने घर लिया नहीं लिया? नहीं, देखें, ये दो खवातीन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दो खवातीन हैं, साइमा हैं और शुमाइला हैं। साइमा से इन्होंने शादी की, अरेंज मैरिज थी जिसमें घर इनको मिला, बाद में उस घर को सौदा करके बेच दिया गया। फिर उसके बाद जब इनसे शादी थी, इनका अफेयर हुआ शुमाइला से, चलिए मोहब्बत हो गई शुमाइला से, और शुमाइला से भी घर ही लिया गया, उसके बाद उसे भी फरोख्त कर दिया गया। ये दोनों पहले अलग रहते थे, अब इनको एक ही घर में रखा गया है। मेरा सवाल, देखिए मेरा सवाल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर वट एवर योर यू नो नज़रियात इज़ या आपके जो भी थ्योरीज हैं, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि पहले इनसे अरेंज मैरिज हुई तो दूसरी शादी की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, दूसरी शादी जो थी वो बेसिकली मुझे ये अच्छी लगती थी, मैं शुमाइला, तो मेरी इससे हेलो आई हुई थी एक जगह पे, तो ये भी मुझे लाइक करती थी, ऐसी बात नहीं है, जाहिर है, जाहिर तो है, बस फिर वो जगह कौन सी थी वो बताइए। एक पार्टी में गए थे, वहाँ ये आई हुई थी, ये बेसिकली मेरे कज़न है, उनकी वाइफ की सहेली थी। ओके, तो हमारी बहुत सारे लोगों से करते हैं, सबसे शादी करते हैं, हेलो हाय तो बहुत सारे लोगों से होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई गिल्टी करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मतलब क्या मैंने कोई, देखिए मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, मैंने शादी की है। हाँ, ये तो है, और शादी की इस्लाम में इजाजत है। अच्छा, तो वो देखिए उसको कोई ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, मैंने इजाजत ऐसे है जब आप एक के अखराजात पूरे उठा रहे हैं। मैम, एक बार पहली बात, मैं उठा ही रहा हूं, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, कोई आपकी शादी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, और दुनिया में कोई भी मुसलमान दूसरी शादी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग नाइदर दीज पीपल नॉर एनी वन एल्स, कोई आपको जज नहीं कर रहा, सवाल सिर्फ एक है कि क्या आपने इन दोनों से मकान भी लिया? सर, मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे थोड़ा बेवजह करना चाह रहे हैं, इतनी पर्सनल बातें और यहाँ डिस्कस करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो साइमा ये बात पूछेंगे तो मैं बताऊंगी ना, अभी आपसे पूछ रहे हैं, अभी आप बोलें, जब मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगी। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है, शादी हो गई, उसके बाद इन्होंने मेरे घर वालों से घर की डिमांड की, ठीक है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इकलौती बेटी है उसको सब कुछ दें, मेरी माँ ने, बाप ने कर दिया, और घर फरोख्त नहीं किया, फरोख्त करते तो समझ आता कि यार मजबूरी है, शायद उस मजबूरी में कर दिया, फरोख्त नहीं किया। आप चुप बैठे हैं, बता नहीं रहे घर कहाँ हैं, कहाँ है घर, ये जुए में हारे हैं घर, घर फरोख्त नहीं किया इन्होंने, जुए में हारे हैं घर, और कितने आराम से तमीज से बैठ के बात कर रहे हैं, घर में ऐसे बात क्यों नहीं करते, घर में ऐसे बात करते ना, घर में जिस तरह बात करते हैं उस तरह बात करके दिखाएं इनको, अभी क्यों इतने सीधे बने बैठे हैं? मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि मुझे लग रहा है जी, मुझे लग रहा है आप लोग ये कर रहे हैं। जो घर आपके नाम में था इनके नाम क्या रखी थी उन्होंने? मेरे नाम था पहले, फिर शादी के बाद इन्होंने अपना नाम कर लिया। लेकिन ये आपने क्यों किया इनके नाम? मियाँ बीवी हैं, इन्होंने मुझसे बोला कि भाई जाहिर सी बात है मेरी चीजें मैं भी तुम्हारे नाम करूंगा, मियाँ बीवी, अगर उन्होंने मुझे बोला, मैं की तरफ से सिंसियर थी, मैं की तरफ से सिंसियर थी। अगर अगर मियाँ बीवी हैं और आपका घर इनके नाम पे हो जाए कोई हर्ज नहीं, तो अगर यही घर आपके नाम पे रहता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन किया आपने? नहीं, मैंने इनको जरूर बताई थी सर, मैंने कहा देखो साइमा, अच्छा बताएं क्या बताएं? नहीं, मैं यार मुझे बात करने दो ना प्लीज, ये जुआ बताएं, मुझे भी कुछ बोल ले, हार जाते हैं ना। चलें, आप ये बताइए कि आप वाकई जुआ खेलते हैं? मैं मैडम पहले इनके सवाल का जवाब तो दे दूं, फिर आप भी अपना क्वेश्चन दे दिए। सर, मैं असल बेसिकली वो पैसे की जरूरत थी और मुझे कुछ बिजनेस अपना मैं इंक्रीज करना चाह रहा था, तो बस वो बिजनेस भी आपका अपना नहीं है, वो भी हमारे माँ बाप का दिया हुआ है। आप तो जुए में रोज हारते हैं, आपके लिए तो पैसा शादियां आप सिर्फ जुए के लिए करते हैं ताकि आपका पैसा इनकम चलती रहे, बिजनेस कहाँ करते हैं? आपको शराब और नशे से फुर्सत कहाँ मिलती है? मैडम, मैं शराब नहीं पीता, इसके लिए तो मैं कसम खा लूंगा, ठीक है, मैं जुआ खेलता हूँ, लेकिन मैं जुआ ये तो बताइए, मैं जुआ खेलता हूँ वो भी अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए,
मुझे उम्मीद है कि मुझे एक सेकंड बंद करो ये शो भाई, बंद करो, आओ भाई चलें फैमिली के बेटरमेंट के लिए। अरे यार मतलब गलत है यार, ये गलत है।